के मायूस नयू शाम की तरह ढलते रही है, जिंदगी एक भोर है, सूर्य की तरह हमेशा निकलते रही है। एक पेड़ पर मत रुको मेरे दोस्त, थक जाओगे धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस लविंग सेशन ऑफ बे ऑफ बायो, एंड आई एम संत कुमार दास स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू टू टीच यू सम नॉलेज अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? पहले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, या फिर तुम लोगों को आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा। ठीक है, पहले जाके उसको क्लियर कर लो। वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल्स में, ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने टच करके उस सब्जेक्ट को मैंने समझाया हुआ है वहां पर। और आज का टॉपिक है हमारा किंगडम फंजाई, बट ये इंट्रो वीडियो है, क्योंकि किंगडम फंजाई में अगर तुम एनसीईआरटी को भी बेस की तरह लोगे ना, तो फिर भी एनसीईआरटी में भी बहुत सारे, मतलब एक इंट्रो है फंजाई की तरफ। ठीक है, क्योंकि फंजाई पे क्या आते हैं, सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं भाई। प्रोकैरियोट्स तो हमारा खत्म हो गया, कहाँ पर कहाँ पर बताओ भाई, प्रोकैरियोट्स कहाँ पर खत्म हो गया? या किंगडम मोनेरा में, और उसके बाद सारे के सारे यूकैरियोट्स। सो ये है यूकैरियोट्स की थर्ड किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, जिसमें लिमिट होते हैं सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इससे क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को लेकर यूनिक किंगडम। इट्स ए यूनिक किंगडम, इट्स ए यूनिक किंगडम व्हिच रेफर्स ओनली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। एंड ये प्रिफर क्या करते हैं, मतलब कौन से एनवायरनमेंट में इन्हें शूट करता है कि भाई यहाँ इस एनवायरनमेंट में हम लोग रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं भाई ह्यूमंस, अब हम लोगों को कोई अंटार्कटिका में भेज देगा तो क्या हम लोग वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे मालूम है, लेकिन वो हमको सुइटेबल नहीं होगा वहां पर। अगर हम लोगों को लाइफ पूरी बितानी होगा ना, अगर इंडियंस को लेकर, मतलब हाँ इंडियंस को लेकर, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हॉट कंट्री में रहते हैं, अगर हम लोगों को उठा के वो डाल देंगे कहाँ पर, अंटार्कटिका में, तो भाई क्या होगा हमारा हाल? इसीलिए इसी को बोलते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट हम लोगों को शूट करता है, हम लोग इंडियंस हैं इसीलिए हम लोगों को इंडिया का एनवायरनमेंट शूट करता है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है। वैसे ही किंगडम फंजाई को वार्म एनवायरनमेंट शूट करता है। वार्म एनवायरनमेंट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिड? इट्स मींस नमी, जिस जगह में नमी ज्यादा होता है उसी जगह में ये लोग ग्रो करते हैं। एंड बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिलामेंटस होते हैं, पहली बात फिलामेंटस होते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड हाइफे। दिस इज इंपॉर्टेंट, टेंशन मत लो, विजुअलाइजिंग सेशन में हम लोग पूरी तरह से सारे इमेजेस देखेंगे। मैं एक एक करके इमेज, एक एक करके डायग्राम लेकर आऊंगा वहां पर, बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां पर तुम लोगों को थ्योरी मिल रही है, पहले थ्योरी को समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ बताए तुम लोगों को? तुम लोग सोच रहे होगे, मैं भी देख रहा हूँ व्यूज कम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। मैं इसीलिए ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अभी जो थ्योरी में एक्सप्लेन करता हूँ ये मेरा एक फंडा है। ठीक है, जो थ्योरी में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी को तुम लोग समझ के अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करो कि भाई हाँ, अगर ये थ्योरी है, इससे इसका बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में कैसे बनता है भाई, मुझे वही जानना है। तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजिनेशन आता है? और जब हम लोग विजुअलाइजिंग लेक्चर में इसका, मतलब जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रू डायग्राम्स होते हैं, जब उसको देखेंगे और इस थ्योरी को उससे रिलेट करेंगे, तब तुम लोग जान पाओगे कि भाई हाँ, हम लोगों ने कुछ तो सोचा था, इसीलिए जल्दी से, मतलब रिलेट हो पाओगे तुम्हारा, मतलब तुम लोगों ने जो इमेजिनेशन किया होगा उस इमेजिनेशन से ये जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा जो हम लोग विजुअलाइजिंग लेक्चर में देखने वाले हैं, उससे तुम लोग रिलेट कर पाओगे, और तुम्हारा मेमोरी, मैं बोलता हूँ, पिछले से 100 गुना ज्यादा रिट्राइव करेगा। दैट इज द फंडा। इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डायग्राम्स और पिक्चर्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास थोड़ी ना डायग्राम और पिक्चर्स की कमी है। यहाँ पर लगाने को बोलोगे तो 100 लगा दूंगा, उसमें क्या है? ठीक है, सो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक इमेजिनेशन करो भाई, ऐसा स्ट्रक्चर है, एक स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हाइफे बोलते हैं, आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, ठीक है, ये जो हाइफे होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम।
इज कॉल्ड व्हाट? माइसेलियम. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये सब डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, जस्ट माइंड इट. ओके, नेटवर्क ऑफ हाइफे एंड सम हाइफे आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm. This is the important point, multinucleated cytoplasm, which is called syncytic hyphae. Okay, अभी तो तुम्हारा मैंने पढ़ाया नहीं है syncytium के बारे में. एक अलग होता है syncytium, अभी नहीं बताऊंगा. Syncytic, ये syncytic है, आगे बढ़ेंगे, अभी तुम लोग इस पे फोकस करो. Syncytic hyphae उसको बोलते हैं. कौन सा hyphae? जिसमें multinucleated cytoplasm होगा. अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये हाइफे फाइफे है क्या भाई, यही सोच रहे होगे ना. कोई बात नहीं, देखो सेल वॉल्स कंपोज, अब पहले खत्म कर लूं फिर डायग्राम एक छोटा सा बना के दिखा दूंगा, ठीक है. सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स. अब भाई ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ वरी मत हो, ठीक है. डोंट वरी, यू विल ऑल गेन नॉलेज इन दिस 11th 12th फुल कोर्स. ओके, जब तुम लोग पूरे के पूरे कोर्स को खत्म करोगे ना, तब तुम लोग को दिमाग में सब चीजें क्लियर होगी, सब चीजें क्लियर होगी. यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी आया था, ये सबको आता है, नॉर्मल है, ठीक है. सो डोंट वेरी अबाउट दैट. और मैं भी देखता हूँ उसी को लेकर बहुत से बच्चे टीचर को जज करते हैं कि भाई ये टीचर अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. बट उस बच्चे को अभी तक ये नहीं पता कि भाई जब तू टोटल कोर्स कवर करेगा ना, टोटल कोर्स तेरा खत्म हो जाएगा, जब तू रिवीजन पे आएगा तो सोचेगा कि हाँ तू, अब भाई रिवीजन क्यों जल्दी होता है. एक टॉपिक को अभी तुम लोगों को एक यूनिट पढ़ने में कितने दिन लगता है, मैक्स टू मैक्स कितने लेक्चर्स हमारे जा रहे हैं, अभी 12 से 13 लेक्चर्स जा रहे हैं, 7 to 8 लेक्चर्स जा रहे हैं. लेकिन रिविजन जो क्विक रिकैप होता है वो सिर्फ एक ही लेक्चर में कैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें फंडा मालूम होते हैं पहले से. वही बात है, जब रिवीजन क्यों जल्दी होता है, वैसे ही जब तुम लोग पूरी कोर्स खत्म कर लोगे ना, तो सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं, जो कि तुम रिलेट कर पाओगे अपने ब्रेन में, तब जाके तुम लोगों को सब चीजें क्लियर होंगे, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स. अभी तुम लोगों को लग रहा होगा भाई ये दोनों क्या है, बायोमोलिक्यूल्स जब पढ़ दोगे ना तब बोलोगे हाँ भाई तब तो लेक्चर ने हाँ अच्छा पढ़ाया था साला टीचर ने, क्यों भाई उसको इतना गाली दे रहे थे, तब सोचोगे. लेकिन अभी नहीं सोच रहे हो, मुझे मालूम है सब कुछ, ठीक है. हाँ मुझे कैमरा के इधर हूँ लेकिन सब पता चल जाता है. अब भाई सॉम हाइफे और कंटिन्यूस ट्यूब्स. अब भाई तुम लोगों को बताता हूँ कैसा होता है ये हाइफे, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइकोमाइसिट्स में. ओके, तुम्हारा जो किंगडम फंजाई है फर्दर डिवाइडेड है, हम लोगों ने पढ़ा था फाइकोमाइसिट्स बेसिडियोमाइसिट्स. ओके, फाइकोमाइसिट्स में एक्सेप्टेड होता है, मतलब सिनोसिटिक हाइफे होता है. हाइफे कैसे होता है, ऐसे होता है, देखो मतलब तुम्हारा क्या हो गया, एक मिनट रुको. फिलामेंटस स्ट्रक्चर, बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड हाइफे. नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसेलियम. देखो हाइफे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है. सपोज तुम्हारा ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं. ये जो नेटवर्क बन गया, ये जो नेटवर्क बन गया हाइफे का, इसको बोला जाता है माइसेलियम. ओके, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है. यहां पर इसको बोला जाता है माइसेलियम. इसमें से हर एक ओके, ये हर एक क्या होता है, हाइफे होता है. ओके, हाइफे होता है. और भाई अब तुम लोग बोलोगे कि सम हाइफे आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. ये जो हाइफे होता है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि ये फिलामेंटस होता है. ठीक से समझो बातों को, यहीं पर समझा दूंगा, कोई बात नहीं. इमेजिनेशन तुम्हारे ब्रेन में बहुत क्लियर से आएंगे, और जब रिलेट करोगे ना तो 100% वही इमेजिनेशन रिलेट हो जाएंगे पिक्चर से, याद रखो सिर्फ, ठीक है. ये जो हाइफे होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं. मतलब ऐसे ट्यूब्स, ठीक है, ये कनेक्ट होके ये हो गया स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके डन. इसके अंदर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर हो गया एक एक न्यूक्लियस. ओके डन, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया हाइफे. ये कौन सा हाइफे है, अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे मन में कि भाई ये कौन सा हाइफे है.
ये हाइफे है जो सिंपल हाइफे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो फिलामेंटस है, विच इज नेटवर्क ऑफ हाइफे, जिसे माइसेलियम बोलते हैं। लेकिन यहां पर पढ़ो, सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड तो नहीं है, मतलब यहां पर एक डिवाइडेशन आता है, मतलब ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ऐसे जुड़ 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 के सेल के जुड़ने से ही क्या बना है, हाइफे बना है। लेकिन ये जो हाइफे की यहां पर बात कर रहा है, सिनोसिटिक हाइफे जिसे बोलते हैं, वो हाइफे डायरेक्टली ऐसा ही होता है, ऐसा हो गया, ये यहां पर चला गया, ऐसा ऐसा आ गया, ये यहां पर चला गया, ये आ गया, ठीक है, यहां पर एक कटिंग हो गया, ये आ गया। अब समझ लो, ठीक है, मैं बता रहा हूं, समझ लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें, अब भाई देखो, हाँ और एक स्ट्रक्चर यहां पर भी बना रहता हूं, ठीक है, तुम लोगों को समझने में आसानी होगी, तुम लोगों के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को समझा कर ही जाऊंगा यहां से। अब भाई ये दो हाइफे हो गए, ठीक है, इसको अब अलग रखो, ठीक है, इसको अब अलग रखो, यहां पर सिर्फ देखो, फोकस करो। अब यहां पर अगर मैं डिवाइडेशन कर दूं, हर यहां पर मैं डिवाइडेशन कर दूं, ओके, ये यहां पर डिवाइड हो गया, यहां पर डिवाइड हो गया, यहां पर डिवाइड हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको डिवाइड ना करो और इसके अंदर न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करूं, ठीक से देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ये 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 ये। अब भाई देखो, ये है एक, क्या ये है हाइफे, जो सिंपल हाइफे हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम लोग जाएंगे सिनोसिटिक हाइफे के तरफ, ये हो गया सिनोसिटिक हाइफे, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस तो मैं बना रहा हूं, लेकिन कोई भी न्यूक्लियस एक दूसरे से कोई भी बाउंड्रीज के तरह डिवाइडेड नहीं है, जो कि इधर आ जाता हूं ना, जो कि यहां पर डिवाइडेड है, ओके, यहां पर सारे, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा बाउंड्री, ये हो गया बाउंड्री, जैसे मतलब सेल से सेल जुड़ के जैसे होते हैं, यहां पर एक डिवाइडेशन है, लेकिन इसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, इसीलिए यहां पर बोला गया कि भाई कंटिन्यूस ट्यूब्स, कंटिन्यूस है यहां पर, यहां पर कंटिन्यूस नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब हो गया ना, ये टोटल का टोटल, इसके अंदर जो भी है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस नहीं है, यहां पर अगर हम लोग बात करते तो सिर्फ एक पार्ट की बात करते, ये पार्ट की, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्या, नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे होगा, लेकिन यहां पर तो कोई डिवाइडेशन ही नहीं है, तो हम लोगों को टोटल बोलना पड़ेगा कि भाई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कहां पर लिखूं भाई, जगह तो खत्म हो गया, क्या करूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी की बात यहां पर की थी, ओके, ये हो गया भाई तुम्हारा सिनोसिटिक, ओके, और ये हो गया नॉर्मल, समझ में आ गया, नॉर्मल ये हो गया सिनोसिटिक। अब तो क्लियर है ना, अब भाई क्या इमेजिनेशन रखने बाकी है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, दिमाग में क्लियर है सब कुछ, सब कुछ क्लियर है, ओके। सो गाइस, आज के लिए मैं सोचता हूं कि हाँ, जो बॉडी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है उसी के तक हम लोग सीमित रखते हैं, उसी के तक लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो तो अभी तक हो चुका है भाई, 13 मिनट से 14 मिनट तक, तो मैं आगे लेना नहीं चाहता। पिछले मतलब आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो न्यूट्रिशन पार्ट है, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पार्ट है इंट्रो में, वो दोनों को हम लोग आगे के लेक्चर में खत्म करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है अच्छे से खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है, आई होप कि सब लोगों को अच्छे से बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी एक को भी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक से समझ नहीं आया ना, तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, कमेंट में लिख दो, एक बार मुझसे डाउट पूछ लो, ठीक है, यहां पर मैं दोबारा समझाऊंगा, ओके, इट्स नॉट लाइक अदर क्लासेस कि भाई एक लेक्चर गया तो गया, कमेंट करने के बाद बंदा कुछ सुन ही नहीं रहा है, यहां पर सब सुना जाएगा, मैं हर कमेंट को चेक कर, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर, मुझे लगता नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा मुझे यूट्यूब से, बट हाँ मिल तो गया, बट आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर कमेंट्स, ओके, सो कमेंट्स किया करो, जो भी डाउट्स है पूछ लो, बिना हिचकिचक के पूछ लो, मैं सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूंगा,
एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा किसी एक भी बंदे का अगर डाउट निकला, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा साथ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, हैव ए गुड डे।